नमस्कार, नो एस्ट्रो फैक्ट में आपका सबका स्वागत है। पिछली बार हमने एरिस टू कैंसर के लिए ट्रांजिट प्रेडिक्शन बनाए थे फॉर द मंथ ऑफ जान 2022, बट इसके इफेक्ट आई थिंक नवंबर 20 से ही स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े बहुत, बट आप प्रॉन्टली इफेक्ट जनवरी में देख पाओगे, 1 जनवरी से 20 फरवरी तक। बट आपको उसकी आगाज बोलो या उसकी शुरुआत आपको 20 नवंबर से देखने को मिल सकती है। तो जो भी प्रिडिक्शन बन रहे हैं, एरीज राशि को एफ्लिक्ट मानकर और लियो राशि को अच्छे मानकर, मतलब फॉर द गुड पर्पजेस लियो एंड बैड पर्पजेस एरीज, ऐसे ही प्रिडिक्शन सब चल रहे हैं। आज हम लियो टू स्कॉर्पियो के बारे में बोलेंगे। मैं पूरे प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, पूरे हाउसेस के सिर्फ एक दो पॉजिटिव, एक दो नेगेटिव ऐसे प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, बाकी के आप प्रिडिक्शन खुद बना सकते हो उस हाउसेस रिलेटेड। जैसे अभी लियो का फर्स्ट हाउस गुड है तो उसके लिए न्यू अचीवमेंट हो सकती है, सोशल स्टेटस इंक्रीज हो सकता है, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और उसके नाइन्थ हाउस में एफ्लिक्शन आएगा, नाइन्थ हाउस में एफ्लिक्शन आएगा तो फादर की हेल्थ की करियर मतलब टेक केयर करना पड़ेगा, लॉन्ग ट्रैवलिंग जा रहे हो तो वहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, सिबलिंग्स के फैमिली के साथ भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। वर्गो का 12th हाउस गुड है तो आप मदर के साथ स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, फॉरेन घूम सकते हो, फॉरेन जाने के लिए भी अच्छा पीरियड है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा पीरियड है। एफ्लिक्ट है 8th हाउस तो अपनी हेल्थ की थोड़ी सी केयर लीजिए, स्पाउस की फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे बनाइए, बनाने की कोशिश करें, तो इस पीरियड में स्पाउस के मनी या स्पाउस फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम आ सकती है। एरीज इज एफ्लिक्टेड। लिब्रा में क्या होगा, लिब्रा में 11th हाउस इज गुड तो नए इनकम सोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे, करियर के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, अपॉर्चुनिटी करियर में अच्छे रहेंगे, फादर के करेज बोलो या फादर के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है। बट वापस 7th हाउस एफ्लिक्ट है तो रिलेशन, बिजनेस, पार्टनरशिप इनमें सब में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है या फादर के इनकम सोर्स में भी लॉस हो सकता है, क्योंकि 7th इज द 11th फ्रॉम द 9th। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट में आपको नए रिलेशनशिप के ऑफर आ सकते हैं, बट टेम्पररी पीरियड रहेगा, नॉट लॉन्ग टर्म पीरियड, कुछ 1-2 महीने के लिए आ जाएंगे, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। करियर के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारे अच्छे आएंगे, आप होम लोकेशन चेंज कर सकते हो, रिलोकेट हो सकते हो इस पीरियड में, तो 10th हाउस इज गुड। अगेन 6th हाउस में प्रॉब्लम है तो स्टमक की केयर लीजिए, आपके एनीमिया बढ़ सकते हैं, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम इश्यूज कर सकते हैं डेली। तो ये रहे प्रिडिक्शन लियो स्कॉर्पियो। तो मैंने हर हाउस के लिए जो भी अच्छा है उसके लिए एक या दो प्रिडिक्शन अच्छे किए, जो भी हाउस खराब है उसके लिए 1-2 प्रिडिक्शन नेगेटिव किए, बट आपको एन नंबर ऑफ प्रिडिक्शन बना सकते हो, जो मैं यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूँ बट आप बना सकते हो। रिलेटेड टू 10th हाउस अच्छा है तो 10th हाउस की बहुत सारे प्रिडिक्शन हो सकते हैं। 10th हाउस में आपकी सासू माँ आती है, 10th हाउस में आपके फादर का इनकम आता है, 10th हाउस में आपके भाई का 8th हाउस होता है, तो बहुत सारे प्रिडिक्शन आप वहां से बना सकते हो। भाई की स्पाउस की फैमिली आती है तो आपको ये बनाना है। तो बनाते वक्त इतना याद रखना है कि एरीज एफ्लिक्ट रहेगा और लियो बेस्ट रहेगा फॉर द पीरियड जान 2022, बट उसकी शुरुआत 20 नवंबर से अभी से ही हो जाएगी शुरुआत। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।